हाय गाइस, मैं अदिति। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा रामबाण नुस्खा जिसको लेने से आपको बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम्स जो है उनसे आपको राहत मिलेगी। अगर आपके जोड़ों में दर्द रहता है, बॉडी पेन रहती है, आपके पैरों में दर्द रहता है, या आपके घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, या आपकी मांसपेशियों में ऐठन रहती है, या आप पूरा दिन बहुत थका हुआ फील करते हैं, बहुत लो फील करते हैं, तो आप इस रेमेडी को अगर आप लेंगे, जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, अगर आप इसको लेंगे तो ये सारी प्रॉब्लम से आपको निजात मिलेगी। ये बहुत इफेक्टिव है और बहुत ही आसान है इसको बनाना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट हमें चाहिए वो चाहिए हलीम सीड्स, ऑलिव सीड्स भी बोलते हैं, गार्डन क्रेस, बहुत सारे नामों से इसको जाना जाता है। दिखने में ये छोटे तिल जैसे होते हैं, लाल रंग के। ये सुपर फूड में आता है, इसके अंदर आपको बहुत सारा आयरन मिल जाएगा। 1 टेबल स्पून अगर आप हलीम सीड लेंगे तो आपको 12 मिलीग्राम तक आयरन इसमें मिलेगा। कैल्शियम आपको मिलेगा, फॉलेट मिलेगा, फाइबर मिलेगा, विटामिन ए सी ई, प्रोटीन जैसे पोषक तत्वों का पावर हाउस होता है ये एक छोटे से बीज। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक पहले भी एक वीडियो डाली थी। अगर आपका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, बाल गिर रहे हैं, आप गंजे हो चुके हैं, आप चाहते हैं आपके दोबारा से बाल उगाएं, या आपको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रखा है, तो मैं ऑलरेडी इस पर एक वीडियो डाल चुकी हूँ। उसका जो लिंक है आपको ऊपर साइड में दिख रहा होगा, आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं जिसने नहीं देखी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। 1 चम्मच मैंने बीज को थोड़े से पानी में मैंने भिगो के रखा था, 2-3 घंटे में ये फूल जाते हैं। तो इस तरीके से हो गए हैं ये। अब मैं इसमें डाल दूंगी पैन में, और पैन में डालने के बाद मैं गैस ऑन करूंगी। ये जो है 2 बंदों के लिए मैं बना रही हूँ, तो 1 चम्मच बहुत है, 1 बड़ी चम्मच मैंने भर के लिए थे। और इसको मैं पकाऊंगी गैस ऑन करके, 1-2 मिनट पहले इसको पका लेंगे। और जब 1-2 मिनट हो जाएगा उसके बाद इसमें डाल दूंगी गुड़। तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप गुड़ लीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गुड़ डाला है इसमें, और इसको गुड़ डालने के बाद फिर पकाऊंगी, और इसको तब तक पकाऊंगी जब तक ये गुड़ जो है वो अच्छे से पिघल ना जाए। अगर आप इसको काफ़ी टाइम से ले रहे हैं तो आप 2 बंदों के लिए बना रहे हैं तब आपको 2 चम्मच लेना है। अभी हम अगर आपने बहुत ही अभी आप शुरुआत कर रहे हैं तो एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो घी है 1/4 छोटी चम्मच मैंने देसी घी इसमें डाला है, और इसको भी मिक्स कर देंगे। घी डालने के बाद यहाँ पे 1 चम्मच काजू मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट के डाले हैं। आप यहाँ पे बादाम भी डाल सकते हो, आप यहाँ पे मखाना भी डाल सकते हो, तो आप इसके अंदर नटमक जो होता है जायफल वो भी इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो। तो इसको पकाएंगे अच्छे से, और पकाएंगे 2-3 मिनट, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना इसको। और पकाने के बाद हम इसको गैस को बंद कर देंगे ताकि ये थोड़े ठंडे हो जाएं। तो थोड़े से ठंडे हो गए हैं ये, बहुत ज़्यादा नहीं। उसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा गर्म दूध ऐड करूँगी, दूध भी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डलेगा, 1/4 जो छोटा कप होता है ना, 1/4 उतना ही डलेगा बस इसमें, और ऐड कर देंगे, इसको मिक्स करेंगे। हमने गैस ऑन नहीं करनी है, अगर हम गैस ऑन करके दूध डालेंगे या ठंडा दूध इसमें डाल देंगे तो दूध गुड़ की वजह से इसमें फट जाएगा, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये जो हमारी रेमेडी है, हमारी जो खीर है, ये बनके तैयार हो गई है। इसे हमने सर्व करके खाना है गरम गरम, बहुत ज़्यादा गरम भी नहीं खाना। और अगर आप इसको लेते हैं सर्दियों में तो वो बेस्ट है। सर्दियों में आप 1 हफ्ते में आप 3 से 4 बार इसको ले सकते हैं। अगर गर्मियों में ले रहे हैं तो सिर्फ 2 ही टाइम लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं लेना, ये गर्मी भी कर सकता है, तो इस बात का ध्यान रखना। और भी बहुत सारी चीज़ों में ये बहुत हेल्प करता है, नर्सिंग मदर भी इसको ले सकती हैं। और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इसकी एक डिटेल वीडियो भी मैं बना के डालूंगी बहुत जल्दी चैनल पर। वीडियो पसंद आई है ये लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ, नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।